महिलाएं समाज का वह हिस्सा रही हैं जिसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन उसे हमेशा ढककर रखा जाता था। असमानता को लेकर बढ़ते भेदभाव के चलते इस दिवस को मनाने की शुरुआत करनी पड़ी। महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त हो, उन्हें भी हर क्षेत्र में बराबर का हक मिले। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 में 19वें संशोधन में पहली बार मत करने का अधिकार मिला। 26 अगस्त 1971 में वकील बेला अब्जुक के प्रयास से महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने की शुरुआत इस दिन से हुई थी। इससे पहले अमेरिकी महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिकों का दर्जा प्राप्त था। गौरतलब है कि महिलाओं के समानता के अधिकार की लड़ाई एक बार फिर छिड़ी 1873 से। इसके बाद अधिकारों की लड़ाई 1920 तक चली। वहीं भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मिला। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, उसे बढ़ावा देना। वहीं दूसरी ओर बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, कुकर, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। वहीं अगर देखा जाए तो महिलाएं आज इन सभी चीजों से लड़कर लगातार आगे बढ़ रही हैं। समान अधिकार के बारे में सम्मान परिश्रमिक अधिनियम के अनुसार वेतन या मजदूरी देने पर लिंग में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कामकाजी महिलाओं को गर्भवती होने के बाद छुट्टी का पूरा हक है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मां बनने के बाद 6 महीने तक किसी प्रकार की वेतन कटौती नहीं की जाती और वह चाहे तो फिर से अपना काम भी शुरू कर सकती है। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तारी संभव है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के मुताबिक पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों को बराबर का हक है। वहीं आज पूरा देश महिला समानता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर एक प्रतिज्ञा यह लेते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमेशा आदर से करेंगे।